समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में जिस जिताऊ रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं उससे उनके नेता भी हैरान हैं। उन्होंने इस बार कई बड़े नेताओं के टिकट काटे जिसमें उनके परिवार के सदस्य तक शामिल थे। अब तो सपा प्रत्याशियों में टिकट कटने का डर बैठ गया है। जी हाँ, मिर्जापुर के सपा प्रत्याशी राजेंद्र इसबिंद को टिकट कटने का डर सता रहा है। राजेंद्र इसबिंद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने रमेश बिंद का भदोही से टिकट काट दिया है, इसलिए वो सपा प्रमुख से कहकर मिर्जापुर से मेरा टिकट कटवाना चाहते हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर मिर्जापुर की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि जनता बताए कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। मुझसे आज रमेश बिंद जी से मुलाकात हुई पार्टी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय में। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कह रहे थे कि इनका टिकट काटकर मुझे दिया जाए। उनका तर्क ये था, मैंने कहा कि भाई मेरा टिकट काटकर आपको क्यों दिया जाए, तो उनका कहता था न आप कोई सांसद हैं न कोई विधायक है, मैं जनता से पूछना चाहता हूं क्या मेरी टिकट कट जानी चाहिए और ये चुनाव मुझे नहीं लड़ना चाहिए, क्या ये चुनाव रमेश बिंद को लड़ना चाहिए, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। वहीं भदोही से मौजूदा सांसद रमेश चंद्र बिंद को लेकर खबर है कि वो साइकिल की सवारी कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट की प्रोफाइल फोटो में कमल की जगह साइकिल लगा दी है जिससे उनके सपा में जाने के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि राजेश एस बिंद का टिकट काटकर सपा रमेश बिंद को मिर्जापुर में मैदान में उतार सकती है, यही आरोप सपा प्रत्याशी ने भी लगाया है। हालांकि राजेंद्र एस बिंद ने सपा कार्यालय में टिकट के मसले पर अखिलेश यादव से मुलाकात की है। उनके मुताबिक पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनका टिकट नहीं कटेगा, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है जहां रात भर में पासा पलट जाता है और मिर्जापुर में 14 मई तक नामांकन की आखिरी तारीख है, इसलिए अंत तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आखिरी पलों में मुरादाबाद और जौनपुर में जो हुआ वो सबने देखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।